न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जानिब से अलॉटीज के लिए फर्स्ट ट्रांसफर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमर मलिक फ्रॉम विरासत.com। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री ट्रांसफर, एनडीसी और सेलर फ्री पॉलिसी के बारे में। लेकिन जनाब, इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। उससे पहले आपको ये कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र फ्री पॉलिसी के बारे में। ट्रांसफ़र फ्री पॉलिसी की कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले ख़ास बात आपको बताती चलूं कि कुछ दिन पहले से ही इसके ऊपर वर्कआउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसकी बिना पर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट इसके प्रोसेस को यकीनी नहीं बनाएगी। जब एनडीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 दिन के बाद आपका प्रोसेस लूप में आ जाएगा, और इसके बाद जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव होंगे उन्हीं एप्लीकेशंस के साथ साथ आपका प्रोसेस भी प्रोसीड कर दिया जाएगा। एनडीसी क्या है, ये हमारी वीडियो का सेकंड टॉपिक है, उसके बारे में तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ इसी टॉपिक यानी कि ट्रांसफ़र फ्री पॉलिसी के बारे में ही बात करती हूँ। प्लॉट की ट्रांसफ़र करते वक्त जब आप एनडीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होगी वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको सबमिट करवाना होगा हेड ऑफिस में। उसके बाद अगर बात की जाए सेलर, जो सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो कि बतौर एफिडेविट कमिश्नर से जारी करवाएगा। उसके बाद उसके साथ करेंसी नोट जो कि लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो चाहे 50 रुपये का हो या 20 रुपये का हो। याद रखिए कि ये करेंसी नोट आपकी फाइल के साथ बहुत ज़्यादा अहम है। ट्रांसफ़र के वक्त भी आपको बुकिंग फॉर्म, कस्टमर कॉपी के साथ करेंसी नोट की ज़रूरत होती है, और ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए आईडी कार्ड की, तो आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। लेकिन याद रखें कि ये आईडी कार्ड आपका वैलिड हो, ये चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों को रिक्वायर्ड होगा। अब बायर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बायर को 2 मज़ीद चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें फ़र्स्ट उसको ये चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए, 1 उसको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, और इसके अलावा नॉमिनी यानी कि वो जिसको नॉमिनी कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, उसके भी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। एक और ख़ास बात यह है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करते वक्त आपके तमाम ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जानिब से आपको एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो फ़र्स्ट फाइल ट्रांसफ़र होगी वो भी ब्लॉक ए के अंदर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अब सेकेंड टॉपिक एनडीसी के हवाले से छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मोस्टली तो लोगों को पता है कि एनडीसी क्या है, लेकिन वो लोग जिनको एनडीसी के बारे में नहीं पता, तो उनको छोटी सी अपडेट देते हैं इसके हवाले से। एनडीसी का मुखफ होता है नो डिमांडिंग सर्टिफिकेट, और आप यकीन माने कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और इसके ऊपर ट्रांसफ़र की पेड और अनपेड अमाउंट की तमाम डिटेल मौजूद होती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनडीसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात कर लेते हैं सेलर फ्री पॉलिसी के बारे में। सेलर फ्री पॉलिसी का ताल्लुक ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ है, जिसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में सेलर फ्री पॉलिसी से ऑथराइज्ड डीलर्स को ये फ़ायदा होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके सिलसिले में कुछ अहम और चंद ज़रूरी बातें हैं। डीलर्स अपनी फ़ाइल को कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे, उसके लिए करना ये होगा डीलर्स को कि अपनी कंपनी का लेटर हेड लेना है, जिसके ऊपर उन्होंने ओपन फाइल की एप्लीकेशन लिखनी है, जिस पे सिग्नेचर और स्टैंप होगा उनकी कंपनी का। फिर उसके बाद उन्होंने एनडीसी के लिए अप्लाई करना है। एनडीसी के लिए अप्लाई करने के बाद उन्होंने करना ये है कि 100 रुपीज़ वाला एक स्टाम्प पेपर लेंगे जो कि ऑथ कमिश्नर से अटेस्ट होगा। उसके बाद उनका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर्ड ना हो। उसके बाद जितनी भी तमाम डॉक्यूमेंटेशन होगी वो हेड ऑफिस में जमा करवानी है, तो उसके बाद वो वैलिड होंगे अपनी फाइल को ट्रांसफर करवाने के लिए। डीलर्स को तकरीबन 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने अपनी फाइल को कस्टमर के नाम ट्रांसफर करना होगा। अगर इस टाइम पीरियड के दरमियान वो कस्टमर के नाम फाइल को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अगर इसके बाद मज़ीद उनको टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ती है तो 30 दिनों का मज़ीद उनको टाइम दिया जाता है, जो कि टोटल बनता है 90 डेज़। अगर 90 डेज़ के अंदर वो अपनी फ़ाइल को कस्टमर के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके ऊपर उनके कुछ चार्जेस लगेंगे। लेकिन इस टाइम फ्रेम के बाद भी अगर वो फ़ाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते तो इसके ऊपर उनकी फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाएगी। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट विद विरासत.com। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।